लखनऊ में सीएनजी और पीएनजी हुई महंगी। सीएनजी की कीमत प्रति किलोग्राम 2 रुपए से ज्यादा बढ़ी। पीएनजी की कीमत में भी 2 रुपए स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की हुई बढ़ोतरी। ग्रेटर नोएडा में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। कैंटर ने झुग्गियों को रौंदा। झुग्गियों में सो रहे 2 लोग गंभीर रूप से घायल। त्रिपुरा में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर चाकू से हुआ हमला। हमले को लेकर उठी गिरफ्तारी की मांग। वामपंथ का फूका गया पुतला। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई धीमी। 24 घंटे में 12,514 नए मामले आए सामने। 12,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम यानी कि आज शाम को जलवायु परिवर्तन पर COP26 में उच्च स्तरीय एक्शन एंड सॉलिटरी द क्रिटिकल डिकेड सेगमेंट को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि COP26 रविवार को शुरू हुआ है और 12 नवंबर को समाप्त होगा। नई दिल्ली में एक अधिकारी ने कहा कि 2 दिवसीय उच्च स्तरीय सेगमेंट के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर लगभग 3 बजे भारत के समय अनुसार शाम लगभग 8:30 बजे अपना संबोधन देंगे। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे ग्लासगो के समय अनुसार COP26 उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे और उच्च स्तरीय आयोजन से पहले वो अपने यूके समकक्ष बोरिस जॉनसन के साथ एक द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले दिन के लिए उनका कार्यक्रम सुबह 10 बजे समुदाय के प्रतिनिधियों, भारतीय डायस्पोरा और भारतीय विदोक से मिलने के साथ शुरू हुआ। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने और वेटिकन में पोप फ्रांसिस से मुलाकात के बाद आमने सामने बैठक सहित कई द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेने के बाद पीएम मोदी रविवार देर शाम रोम से ब्रिटेन के लिए रवाना हुए थे। तो अपने 5 दिवसीय यात्रा पर इटली में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जहां पर आपको बता दें कि पीएम मोदी उच्च स्तरीय COP26 को आज लगभग भारत के समय अनुसार 8:30 बजे के करीब संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी है। कई ट्वीट्स किए गए और इस ट्वीट सीरीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के लोगों को एक एक कर बधाई दी है। आंध्र प्रदेश के लोगों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य के स्थापना दिवस पर आंध्र प्रदेश की मेरी बहनों और भाइयों को बधाई। उन्होंने लिखा कि आंध्र प्रदेश के लोग अपने कौशल, दृढ़ संकल्प और तप के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि वो कई क्षेत्रों में सफल होते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आंध्र प्रदेश के लोग हमेशा खुश, स्वस्थ और सफल रहें। केरल के लोगों को बधाई देते हुए पीएम ने कहा कि केरल के लोगों को केरल पिरावी दिवस की बधाई। उन्होंने कहा कि केरल और सुरम्य परिवेश और अपने लोगों के मेहनती स्वभाव के व्यापक रूप से प्रशंसित हैं। केरल के लोग अपने कई प्रयासों में सफल हों। कर्नाटक के लोगों को अपने संदेश में पीएम ने कहा कि कर्नाटक राज्य उत्सव के विशेष अवसर पर शुभकामनाएं। कर्नाटक ने अपने लोगों के अभिनव उत्साह की वजह से एक विशेष पहचान बनाई है। राज्य उत्कृष्ट अनुसंधान और उद्यम में सबसे आगे है। आने वाले समय में कर्नाटक सफलता की नई ऊंचाइयों को छुए। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापना दिवस की बधाई दी है। अलग अलग ट्वीट्स कर सभी राज्यों को ये बधाई दी है। ऐसे में उन्होंने कई ट्वीट्स किए, ट्वीट्स की सीरीज की है। ऐसे में उन्होंने सभी को ये बधाई दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन राज्यों को बधाई दी है जो सोमवार को अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को किसी भी कीमत पर संरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि राज्यों को इसके लिए तैयार किया गया था। उन्होंने सोमवार को एक ट्वीट में कहा कि भारत में प्रत्येक राज्य का गठन लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव पर हुआ था, जिसे हर कीमत पर संरक्षित करने की आवश्यकता है। हमारे भाइयों और बहनों को उनके राज्य के गठन के दिनों के लिए शुभकामनाएं। तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर राज्यों को
स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने की बहुत ज़रूरत है और उन्होंने भी ट्वीट देख सकते हैं आप, आपको ट्वीट दिखा रहे हैं हम। ट्वीट के जरिए उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि भारत में प्रत्येक राज्य का गठन लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव पर हुआ था, जिसे हर कीमत पर संरक्षित करने की आवश्यकता है। हमारे भाइयों और बहनों को उनके राज्य के गठन के दिनों के लिए शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का आधी आबादी को साधने का अभियान लगातार जारी है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जाति की जगह अब जेंडर का मुद्दा छोड़कर दूसरी पार्टियों के सामने चुनौती खड़ी कर रही हैं। हालांकि इसमें कितनी सफलता मिलेगी ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि सभी पार्टियां इस फॉर्मूले का कार्ड ढूंढने में लग गई हैं। कांग्रेस के इस नए दांव को नौकरी पेशा वर्ग की महिलाओं और गृहिणियों को आकर्षित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसके नए उदाहरण साफ तौर पर देखे गए हैं। बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा का शुभारंभ करने पहुंची कांग्रेस महासचिव ने सड़क पर बैठी महिलाओं से, बालिकाओं से मुलाकात की और इसके बाद धान के खेत पर पहुंची, जहां उन्होंने पहले से मौजूद महिलाओं से चर्चा की और उनके साथ खाना भी खाया। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो खासकर यहां की राजनीति जाति धर्म पर आधारित है, जिसमें महिलाएं मुद्दा नहीं होती हैं। राजनीति में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता अभी भी सर्व स्वीकार्य नहीं है और अक्सर पुरुष रिश्तेदारों के हस्तक्षेप की वजह से कई सवाल उठ जाते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो महिला प्रधान होती है तो पुरुष ही उसका काम देखते हैं। जिला पंचायत से लेकर ब्लॉक प्रमुख हर जगह यही चीज देखने को मिलती रही है, लेकिन कुछ जगह बदलाव भी हो रहा है। ऐसे में अब प्रियंका गांधी का ये दाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के दाव से पूरे सियासत में हलचल मची हुई है, क्योंकि जेंडर के मुद्दे से दूसरी पार्टियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रियंका गांधी महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं, उसको लेकर सभी पार्टियां कहीं ना कहीं परेशान होती नजर आ रही हैं। क्योंकि जहाँ एक तरफ बीजेपी अपने एक अलग एजेंडे पर चल रही थी, समाजवादी पार्टी अलग एजेंडे पर चल रही थी, वहीं अब जिस तरह से प्रियंका गांधी ने महिलाओं को साधने की कोशिश की, एक विशेष जेंडर के मुद्दे को उठाने की कोशिश की, उससे कहीं ना कहीं सभी पार्टियों में खलबली मची हुई है और हर पार्टी इसकी काट ढूंढने में लगी हुई है कि किस तरह से प्रियंका गांधी के इस एजेंडे को कहीं ना कहीं नीचे किया जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के दाव से पूरे यूपी में इस समय हलचल मची हुई है सियासत में, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए आगे बढ़ रही है, महिला कार्ड उन्होंने खेल दिया है, महिलाओं को 40% टिकट में आरक्षण देने की उन्होंने बात की है, छात्राओं को फ्री स्कूटी देने की बात की है, मोबाइल फ़ोन देने की बात की है, ऐसे में कहीं ना कहीं अब सभी पार्टियां इससे घिरती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी हर एक दिन कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर जा रही हैं, महिलाओं से मुलाकात कर रही हैं, उनके बीच बैठ रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, उनके साथ खाना खा रही हैं, तो ऐसे में सभी पार्टियों को अब कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि किस तरह से इसका जो है वो कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जाए, क्योंकि एक जेंडर के मुद्दे से सभी दूसरी पार्टियां पूरी तरह से परेशान हैं और ऐसे में खलबली भी मची हुई है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अभी तक जो है एक विशेष समुदाय या फिर ये कह लीजिए जातिगत रूप से राजनीति कर रही थी। अगर समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए तो वो भी कहीं ना कहीं प्रबुद्ध सम्मेलन करने में ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी भी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने यहाँ सभी पार्टियों का खेल बिगाड़ कर रख दिया है और जेंडर का मुद्दा उठा लिया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का मुद्दा उन्होंने उठाया, महिलाओं की बात उन्होंने यहाँ पर की है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं सभी पार्टियों में खलबली मची हुई है। चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अगली खबर का।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को उनके घर पर नजरबंद किया गया है। पुलिस का कहना है कि महबूबा मुफ्ती को सोमवार सुबह उच्च सुरक्षा वाले गुप्कर रोड स्थित उनके फेयर व्यू आवास के अंदर नजरबंद किया गया है। पुलिस ने परिसर से बाहर निकलने और प्रवेश को रोकने के लिए मुफ्ती के आवास के प्रवेश द्वार पर एक मोबाइल बंकर भी खड़ा किया है। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा के एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि सोमवार को महबूबा मुफ्ती के आवास पर PDP के कोर ग्रुप की बैठक होनी है, तो ऐसे में सुरक्षा के लिए महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर से नजरबंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया है और आज ऐसे में सोमवार यानी कि आज महबूबा मुफ्ती के आवास पर PDP की कोर ग्रुप की बैठक होनी थी, लेकिन उस बैठक से पहले ही महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती को सुरक्षा के एहतियात के तौर पर नजरबंद किया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौर में लैंड माइंड ब्लास्ट पर शहीद हुए लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार का शव देर रात बेगूसराय पहुंचा, जहां पर सेना के जवानों ने तिरंगे में लिपटे शव को परिजनों को सौंप दिया। गौरतलब है कि शनिवार की शाम रूटीन गश्त के दौरान लैंड माइंड ब्लास्ट पे बेगूसराय के ऋषि कुमार शहीद हो गए थे। आज GD कॉलेज के प्रांगण में आम लोगों के दर्शन के लिए शहीद के शव को रखा गया। इसके बाद GD कॉलेज से ही शव यात्रा शुरू हुई। वहीं पूरे राजकीय सम्मान के साथ सिमरिया घाट पर शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बेगूसराय में आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार का शव पहुंचा है। दरअसल शनिवार की शाम लेंस माइंड ब्लास्ट में वो शहीद हो गए थे। ऐसे में आज तिरंगे से लिपटा जब शव उनका वहाँ बेगूसराय पहुंचा तो हर किसी की आंखें वहाँ पर नम हो गई। ऐसे में GD कॉलेज में अंतिम यात्रा के लिए उनके शव को रखा गया था, जिसके बाद वहीं से अंतिम यात्रा शुरू हुई और अब कुछ ही देर बाद में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। रोहतास के डेहरी में एक अनियंत्रित कार ने एक आइसक्रीम बेचने वाले व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसमें 45 साल के जगन नारायण सोनी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक डेहरी के नरेश सेठ का 45 साल का बेटा था, जो गांधीनगर मोहल्ले का रहने वाला था। आइसक्रीम का ठेला लेकर जगन नारायण रोज की तरह आज भी निकला था घर से। इसी दौरान अनियंत्रित कार ने उसे जबरदस्त टक्कर मार दी। गंभीर चोट की वजह से जगन नारायण की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में पुलिस सूचना पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो रोहतास का ये पूरा मामला है, जहां पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि अनियंत्रित कार ने अधेड़ को टक्कर मार दी है। दरअसल आइसक्रीम का ठेला वो चलाने का काम करता था और हर रोज की तरह आइसक्रीम का ठेला लेकर वो अपने काम पर जा रहा था हर रोज की तरह, लेकिन वहां से आ रही सामने से आ रही अनियंत्रित कार ने उसके ठेले में टक्कर मार दी, जिससे बुरी तरह वो घायल हो गया और ऐसे में ज्यादा चोट लगने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कार बंगला पर हम लोग को थाना में फोन आया। हाँ, तो हम लोग गए तो कोई गाड़ी से पता चला कि कोई फोर व्हीलर गाड़ी मार के धक्का मार के चले गए। हम लोग उसको तो गए तो हम लोग को गाड़ी को नहीं पता। ये क्या चीज़ थे? ये ठेला आइसक्रीम बेचते हैं। राजस्थान के पाली में जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के निर्देश के अनुसार होटलों, ढाबे, रहवासी मकानों, सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया गया। चोरियां और लूट की वारदात को अंजाम देने वाली कुख्यात गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। आपको बता दें, जैतारण थाना अधिकारी विकास कुमार की तरफ से नकबजन गैंग के मुख्य तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की तरफ से लगातार इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी बड़े खुलासे के आसार लग रहे हैं। वहीं पूछताछ में चोरों ने जिले की 24 से ज्यादा चोरियों की वारदात, लूट की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। तो पाली का पूरा मामला है, जहाँ पर पुलिस ने नकबजन चोर गैंग का पर्दाफाश कर दिया है और ऐसे में पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। गैंग के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार इन सभी आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पूछताछ में की जा रही है ताकि और जो खुलासे हो सकें और जो इनके पास जानकारियां हैं वो सामने आ सकें, और ऐसे में इन पूछताछ के दौरान इन्होंने अभी तक ये स्वीकार किया है कि पूरे
प्रदेश में इन्होंने पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में इन्होंने 24 चोरी की घटनाओं को पहले अंजाम दिया था, लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। हालांकि लगातार पूछताछ इनसे की जा रही है और हो सकता है कुछ और भी खुलासे ये कर सकते हैं। राजस्थान के पाली में जिला मुख्यालय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जिले भर में एकता संकल्प कार्यक्रम आयोजन किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में शपथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला कलेक्ट्रेट अंशदीप ने अधिकारियों और कार्मिकों को राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की शपथ दिलाई। शपथ में राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एकता का संदेश देशवासियों के बीच प्रसारित करने को, देश की आंतरिक सुरक्षा निश्चित करने और सत्य निष्ठा का संकल्प लिया गया। बुलंदशहर में राजनीति प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जनसभा में डांसर बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भीड़ इकट्ठा करने के लिए राजनीतिक मंच पर डांसर बालाओं से जमकर गानों पर ठुमके लगवाए। शिवपाल सिंह के मंच से ऐलान किया कि अगर अखिलेश ने उनके साथ गठबंधन किया तो उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में छोटी बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवपाल ने कहा कि मुलायम सिंह ने उनसे कहा कि अगर अखिलेश ने शिवपाल सिंह के साथ गठबंधन से इनकार किया तो खुद मुलायम सिंह प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लिए 2022 के लिए चुनाव में प्रचार करेंगे। तो बुलंदशहर की तस्वीरें देख सकते हैं जहां पीएसपी की जनसभा में ये डांस बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए राजनीति मंच बना रंगमंच, और ऐसे में लोगों की भीड़ ज्यादा वहां पर इकट्ठी हो इसीलिए इन सभी डांस बालाओं को वहां पर बुलाया गया था। तो आपको बता दें राजनीति मंच बना रंगमंच का अखाड़ा, ऐसे में बुलंदशहर की ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से शिवपाल यादव वहां पर पहुंचे थे और जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन स्टेज पर वहां पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए डांस बालाओं का सहारा लेना पड़ा। हालांकि अब तक प्रशासन की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि लोगों को लुभाने के लिए, 2022 के लिए जनता को लुभाने के लिए ये पार्टियां किस किस तरह का सहारा ले रही हैं। किसानों पर गोली चला दे या किसानों को कुचल दे और मंत्री धमकी दे किसानों को सुधार जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे, तो सर केंद्रीय राज्य मंत्री को उसी क्षण बर्खास्त कर दे। उसके बेटे की गाड़ी ने कुचल दिया तो बेटे को जेल भेज देना चाहिए, फिर सत्ता में रहने का सरकार को अधिकार। आप सर अखिलेश जी से कल मिले हैं शायद, बात क्यों नहीं बन पा रही? अभी तो नहीं मिल पाई। अच्छा, अभी तो हमारा सामाजिक परिवर्तन चल रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ बुलंदशहर से हमारे संवाददाता लोकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, जिस तरह से वहां पर शिवपाल सिंह पहुंचे थे, यादव पहुंचे थे, लेकिन जनता को लुभाने के लिए, भीड़ को इकट्ठा करने के लिए डांस बालाओं का सहारा लिया जा रहा है, अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इस मामले में किया गया अभी तक? जी पारुल, देखिए मैं आपको बता दूं, शिवपाल यादव जो की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने रथ यात्रा निकाल करके जो चुनाव प्रक्रिया है उसके मद्देनजर वोटरों को लुभाने के लिए एक प्रोग्राम रखा था जिसमें उन्होंने शिरकत की थी। वहां पर जो डांस के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो है वो वहां मंच पर बार बालाओं को डांस कराया गया था, जिसकी वजह से वहां भीड़ इकट्ठी हो रही थी। तो ये पूरा मामला भी प्रशासन के संज्ञान में है, लेकिन इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया ठीक से भी मिली नहीं है। बिल्कुल लोकेश, देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, वीडियो लगातार देख रहे हैं, हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, लेकिन अब तक क्यों प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई? क्योंकि देखिए इस तरह से जनता को लुभाने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये थोड़ा सा अभी प्रशासन के संज्ञान में है मामला, लेकिन इस पर अभी किसी तरह से प्रशासन की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अभी इस पर वजह कोई भी हो लेकिन प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि ये जो भीड़ इकट्ठी करने के लिए बार बालाओं का जो डांस किया गया था उसको किसी भी एंगल से देखें तो वो ठीक नहीं है,
चुनाव एक अलग तरीका हो गया चुनाव के लिए वोट इकट्ठा करने के लिए, लेकिन बार बालाओं का जिस तरह से स्टेज पर खुले मंच पर डांस कराया जा रहा था वो एक अलग तरीके से गलत तरीके से गलत था। बिल्कुल लोकेश, देखिए जनता के बीच में मुद्दे सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर आप काम करेंगे, काम की बातें करेंगे कि आगे हम अगर हमारी पार्टी चुनाव में जीतती है तो हम लोगों के लिए ये सौगात देंगे, ये चीज करेंगे, तो ऐसे कहीं ना कहीं जनता जो है वो पार्टियों के उसमें आ जाती है, लेकिन इस तरह का सहारा लेना है तो बिल्कुल सरासर गलत है। बिल्कुल देखिए पारुल, आपने सही कहा, जो काम होते हैं उन कामों को मद्देनजर अगर वोट मांगा जाए तो वो जायज होता है, लेकिन खुले मंच पर इस तरह से महिलाओं से डांस करवाकर वोट मांगे तो एक तरीका गलत है। ये इस पे जरूर नेताओं को भी सोचना चाहिए और भविष्य में ऐसी जो चीजें हैं वो ना हो, अच्छा मैसेज जाए लोगों के बीच, अच्छे काम हो, अगर काम पे वोट मांगा जाए तो ये मेरे हिसाब से ठीक रहता है। बिल्कुल लोकेश, और जिस तरह से वहाँ पर ये डांसर्स को बुलाया गया था तो कितने की संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे? देखिए जो जिस लिए उन्होंने वहाँ पर महिलाओं का डांस रखा था वो मेरे हिसाब से तो वहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई थी, ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं थी, हालांकि जो उनके अपने खुद के कार्यकर्ता है वही वहाँ पर वो सिर्फ दिखाई दे रहे थे, इतनी भारी तादाद में संख्या में भीड़ वहाँ पर नहीं थी, उनकी जो कार्यकर्ता थे उन्हीं की वहाँ भीड़ थी। चलिए ठीक है लोकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बुलंदशहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर शिवपाल यादव पहुंचे थे, और ऐसे में राजनीतिक मंच पर ये रंगमंच जो है देखने को मिल रहा है, जनता को लुभाने के लिए, भीड़ को इकट्ठा करने के लिए डांसर्स को बुलाया गया और वहाँ पर ठुमके लगवाए गए। सहारनपुर के गागल हेड़ी क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, वहीं मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर महिला को फांसी देने का आरोप लगाया और ससुराल पक्ष के खिलाफ थाने में तहरीर दी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने में जुट गई है। तो सहारनपुर का यह पूरा मामला है जहाँ पर विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई, हालांकि परिजनों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है फांसी देने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन अब इस पूरे मामले में जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। थाना गागलहेड़ी के सैयद माजरा गांव में कल एक विवाहिता है जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ हुई है, वो घर में ही बैठे बैठे बीमार हो गई थी, परिजनों का कहना है उसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में ही उसकी डेथ हो गई। उसके जो मायका पक्ष है उसके थाना गागलहेड़ी में उन्होंने एक दहेज मृत्यु का अभियोग दर्ज कराया है, पति पति के भाई भाभी और उसके बहनों के खिलाफ, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी बिसरा सुरक्षित किया गया है। हमारी बहन की शादी जिला सहारनपुर के गांव सैयद माजरा के कमर हुसैन सनोप शमसाद हुसैन के लड़के से हुई थी। पूरे रीति रिवाज से, मुस्लिम रीति रिवाज से और हैसियत अनुसार दहेज भी दिया था हम लोगों ने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।